अगर आपके अंदर हौसला है और कुछ कर गुजरने की ललक है तो फिर समझिए कि आपका काम यहीं से आसान हो गया। बिहार के जमुई जिले के खेरा प्रखंड के फतेहपुर गांव निवासी सीमा की कहानी को जानकर आप भी कहेंगे कि इस बच्ची को सलाम है। सीमा ने सड़क हादसे में अपना एक पैर खो दिया लेकिन हौसले को बचाए रखा, जिसके सहारे आज वो 500 मीटर तक पगडंडियों पर एक पैर के सहारे कूदते हुए स्कूल जाती है। सीमा बिहार के फतेहपुर गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, पिता दूसरे प्रदेश में रहकर ही मजदूरी करते हैं। पांच भाई बहन में एक सीमा किसी पर अब तक बोझ नहीं बनी है। एक पैर होने के बावजूद सीमा में पढ़ने लिखने का जुनून है। माता पिता निर्चर है। सीमा का सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने। सीमा दो साल पहले गांव में ही एक हादसे का शिकार हो गई थी। एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसके एक पैर में गंभीर चोट लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उसका एक पैर काट दिया था। एक पैर से ही अब वह सारा काम कर लेती है। आपको बता दें कि जिद से सीमा ने स्कूल में नाम लिखवाया था। दिव्यांग सीमा का कहना है कि उसके माँ बाप मजदूर हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। वह पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती है। यही कारण कि सीमा ने जिद कर स्कूल में नाम लिखवाया और हर दिन स्कूल जाती है। सीमा की दादी लक्ष्मी देवी का कहना है कि इस गांव में इस बच्ची के लिए मूलभूत सुविधाओं की भी कुछ कमी है। सुविधा के अभाव में काफी दूर तक पगडंडियों पर चलकर उसे स्कूल जाना पड़ता है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा कि अब वह अपने एक नहीं दोनों पैर पर कूद कर स्कूल जाएगी। टिकट भेज रहा हूँ, चलिए दोनों पैर पर चलने का समय आ गया है।